रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द सॉस पैन। आज जो हम बनाने जा रहे हैं अपने सॉस पैन में, वो है मखनी वाइट कढ़ाई, जो बटर में तैयार होगी, मक्खन में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। सबसे पहले हमें चाहिए चिकन 1 किलो कढ़ाई कट, मक्खन हमें चाहिए तकरीबन 100 ग्राम, दही चाहिए 1/2 कप, क्रीम चाहिए हमें 1/2 कप, लेमन जूस चाहिए हमें 1 टेबल स्पून, कुटा हुआ धनिया हमें चाहिए तकरीबन 2 टीस्पून, कुटा हुआ काले मिर्च 2 टीस्पून, भुना हुआ कुटा हुआ जीरा चाहिए हमें 2 टीस्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून, कसूरी मेथी 1 टीस्पून, अदरक हमें चाहिए 1 टेबलस्पून, हरी मिर्चें बारीक कटी हुई 6 से 8 अदद, और गार्निशिंग के लिए हमें चाहिए हरी धनिया और मोटी मिर्चें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। सबसे पहले हम इसे चिकन को मैरिनेट करेंगे। उसके लिए हम सबसे पहले दही ऐड करेंगे। अब हम शामिल करेंगे अदरक पेस्ट, हरी मिर्चें बारीक कटी हुई, नमक, काली मिर्च कुटा हुआ, गरम मसाला, जीरा, कुटा हुआ साबुत धनिया, अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। हम 1 घंटे के लिए इसको फ्रिज में रख देंगे। जी, अब चिकन मैरिनेट हो गई है। अब हम कढ़ाई में बटर डालेंगे। मैंने मेल्ट कर लिया है बटर को। अब हम इसमें चिकन शामिल कर देंगे। बटर में इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। और सा फ्लेम को बढ़ा देंगे। देखिए बटर में हम इसको फ्राई कर रहे हैं, इसकी बटर की अलग ही खुशबू आएगी इसमें। से 10 मिनट्स इसको हम फ्राई करेंगे इसमें। बेहतरीन फ्राई होना शुरू हो गई है कढ़ाई में। आधा ग्लास पानी ऐड कर देंगे। और तकरीबन 15 मिनट्स के लिए हम इसको कवर करके लो फ्लेम पे पकाएंगे। जी, अब चिकन गल चुकी है। अब हम देखते हैं। जी देखिए, चिकन गल गई है बिल्कुल। अब हम इसको भून लेंगे हाई फ्लेम पे ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए। भूनने में कसूरी मेथी ऐड करेंगे, लेमन जूस, और इसको भून लेंगे हाई फ्लेम पे ताकि इसका पानी बिल्कुल ड्राई हो जाए और अच्छी तरह मिक्स हो जाए सब चीज़ें। जी देखिए, बिल्कुल पानी खुश्क हो गया इसका। तो हम इसमें क्रीम ऐड कर देंगे,
क्रीम को मैंने थोड़ा सा फेंट लिया है ताकि अच्छी तरह मिक्स हो जाए। क्रीम मिलाने के बाद इसको 5 मिनट के लिए हम कवर कर देंगे ताकि क्रीम और उसके साथ चिकन के साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाए। जी अब हम देखते हैं क्रीम मिक्स हो गई। देखें बेहतरीन वाइट कढ़ाई तैयार है। ये क्रीम बिल्कुल मिक्स हो गई है। हल्की सी ग्रेवी होगी क्योंकि ये कढ़ाई और लोहे की कढ़ाई में बनाई है। लोहे की कढ़ाई में हमेशा कढ़ाई बनाएं, बहुत अच्छी कढ़ाई बनती है। ये देखें मखनी वाइट कढ़ाई तैयार है। अब हम इसमें चीजें गार्निशिंग थोड़ी सी ऐड कर देंगे। मोटी मिर्चें जो हमने काट के रखी थी जी। बेहतरीन मखनी वाइट कढ़ाई तैयार है। आप भी ट्राई करें, बहुत अच्छी रेसिपी है, आपको बहुत पसंद आएगी। अपने घर में बनाएं अपनी फैमिली के लिए। आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मिलती हूँ नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।